अरे कोई झगड़ा कोई लफड़ा, अरे कोई झगड़ा कोई लफड़ा कभी नहीं जो करते हैं। अरे क्यों फेंकते हो यार, हैं कभी तो सही बात करो। ठीक है तो भाई फिर ये सुनो, थोड़ा झगड़ा थोड़ा लफड़ा कभी कभी जो करते हैं। अरे थोड़ा झगड़ा थोड़ा लफड़ा कभी कभी जो करते हैं, थोड़े से कड़वे हैं लेकिन, अरे थोड़े से कड़वे हैं लेकिन खबर सभी की रखते हैं भाई, खबर सभी की रखते हैं। मक्कारों की पोल खोल कर, अरे मक्कारों की पोल खोल कर काम सभी के बनवाना, मक्कारों की पोल खोल कर काम सभी के बनवाना। ऐसे कक्का जी के दर्शन चलो धनादन करते हैं भाई, चलो धनादन करते हैं, चलो धनादन करते हैं भाई, चलो धनादन करते हैं, चलो धनादन करते हैं। झगड़ा प्रसाद लफड़ा प्रसाद आप ही का नाम है, झगड़ा प्रसाद लफड़ा प्रसाद दे धनादन आप ही का नाम है, झगड़ा प्रसाद लफड़ा प्रसाद दे धनादन आप ही का नाम है। अरे कौन कौन हो भाई, क्यों विघ्न डाल रहे हो? झगड़ा प्रसाद लफड़ा प्रसाद आप ही है ना? लगता है नए हो, वरना न तो हमें ढूंढने की जरूरत पड़ती और न हमारे असली नाम से पुकारते। आपके घर गया तो काकी जी ने बताया आप चौपाल पर होंगे, आपके नाम की रजिस्ट्री है, यहाँ पर अंगूठा लगाओ। यानी कि क्या मजाक है, ये तो सरासर हमारी तौहीन है भाई। एक तो कक्का जी के बजाय हमारे असली नाम से पुकारते हो, वो तो चलो फिर भी ठीक, लेकिन अंगूठा, बड़े अनपढ़ दिखाई देते हो, देखते तो हो हम वॉकमैन सुन रहे हैं। ऐसा झुनझुना लगाने से कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं बन जाता। ये तुम्हें झुनझुना दिखता है, हैं हैं, ये है वॉकमैन समझे? चाचा ऐसे कान में लटकाए कितने गांव में घूमते हैं, उलझलुल छपी टी शर्ट पहन ली और काला चश्मा चढ़ा लिया और निकल पड़े आवारा गर्दी करने के लिए, जैसे धर्मेंद्र और जितेंद्र ना हो। हद हो गई भाई, बर्दाश्त की भी हद हो गई, तुम्हें हम धर्मेंद्र या जितेंद्र दिखाई देते हैं? अरे चाचा, चाचा नहीं कक्का कहो, कक्का जी। अच्छा कक्का जी ही सही, आप और धर्मेंद्र या जितेंद्र, अरे आपकी उम्र तो देखो। हे भगवान, रोज तो मेरा वो कौवा परेशान करने आ जाता था और आज ये पोस्टमैन कौवा बनकर आ टपका। लाओ कहां लगाना है अंगूठा, यानी यानी कहां करने हैं दस्तखत? लाओ मैं खोल दू। अब जाओ भी, काम देखो अपना, आधा घंटा खराब कर दिया। कमाल है, टाइम तो मेरा खराब हुआ, इतनी देर में तो पूरे गांव की चिट्ठियां बांट देता। अच्छा माफ करो भाई, हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, तुम्हारा क्या कहते हैं उसे, कीमती वक्त बर्बाद किया। तो ऐसे कहो ना, राम राम चलता हूं। हे ईश्वर, इससे तो वो कौवा अच्छा था, कंकर मारने से उड़ तो जाता था। हाँ अच्छा तो आप आ गए, हाँ तो हमारे कार्यक्रम का वक्त भी तो हो गया है। हाँ तो भाइयों और बहनों और बच्चों, आप तो हमें जानते पहचानते हैं ना? आज की राम कहानी सुनाने से पहले जरा हम ये चिट्ठी पढ़ लें। कैसे हैं कक्का जी? भैया आज तो आपने भरी दोपहरी में ही चौपाल पर अड्डा कर लिया है,
हाँ भाई शमू काका, क्या करें, घर में बड़ी गर्मी लग रही थी सो यहाँ चले आए पेड़ की ठंडी छाया में। हाँ, इस साल की गर्मी से तो यही लगता है कि बारिश अच्छी होगी। हाँ। पर कक्का जी, आप ये पढ़ क्या रहे हैं? मेरी एक दूर की भतीजी है, दिल्ली में ब्याही है, उसके चाचा और छोरों ने उसकी जमीन पर जबरदस्ती हक जमा लिया है। अब बेचारी का बाप तो रहा नहीं, यहाँ उसकी बड़ी बहन और माँ हैं। सो उसने अपने और अपनी बहन के हक के बारे में सलाह मांगी है। तो इसमें हक की क्या बात है, छोरी तो ब्याह के बाद ससुराल गई, अब बाप की जमीन तो छोरों को ही मिलेगी। कौन कहता है, अरे बाप की जायदाद पर तो बेटी बेटों का दोनों का बराबर का हक बनता है। रिवाज तो पीढ़ियों से यही चला आ रहा है, बाप की जमीन जायदाद छोरों और भतीजों के नाम ही करनी पड़ती है। मुझे ही देखो, मेरी इच्छा न होते हुए भी मुझे अपनी जमीन छोरों के नाम करनी पड़ रही है। अरे भाभी तो अभी जिंदा है, यानी तेरी घरवाली, उसके जिंदा रहने न रहने से क्या फर्क पड़ता है। सठिया गए हो तुम तो, ऐसी गलती कभी मत करना, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। मगर भैया सोचो, कल तुम न रहो तो तेरे छोरे तो तेरी घरवाली को घर से बाहर निकाल बाहर करेंगे। वसीयत न करो तो भी ठीक, पर गलत वसीयत भूल कर भी मत करना। ऐसी जायदाद भी कहाँ है, एक छोटा सा मकान है। तो बड़े छोरे ने कहा, बाबूजी कायदे से लिखा पढ़ी करा दो, पीछे से कोई झंझट ना हो। तो भाई उसने जहाँ कहा वहां पर मैंने अंगूठा लगा दिया। गई भैंस पानी में, बिना पढ़े बिना सोचे क्यों करते हो ऐसा काम। अरे तुमसे तो ये लड़की सुमन, अरे वही जिसकी दिल्ली से चिट्ठी आई है, वो ही ज्यादा समझदार है। जो अपना हक समझती है, खैर तो अपनी छोरी का नाम भी वसीयत में डलवाया है कि नहीं? छोरी का तो ब्याह हो गया, वो तो ब्याह के बाद ससुराल गई। तो ब्याह के बाद अब वो तुम्हारी बेटी नहीं रही क्या? अरे कक्का जी, रिवाज तो यही है ना। गलत रिवाज है, उसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि कानून तो ऐसा नहीं मानता। भाई समाज में रहना है तो समाज के कानून तो मानने ही पड़ेंगे ना। अब समाज के कानून की गलत व्याख्या मत करो, कानून तो समाज को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। और आज का कानून साफ साफ बताता है कि बाप की जमीन जायदाद और मिल्कियत पर उनके बेटी बेटों का बराबर का हक बनता है, यानी बाप के बाद माँ और माँ के बाद फिर बच्चों का। कक्का जी, हाँ? तो फिर ये दो तरह के कानून एक साथ चलेंगे कैसे? अरे ये दो नहीं, कानून तो एक ही है जो मैंने बताया, लेकिन निरक्षरता के कारण देश की बहुत बड़ी आबादी को इस बात की जानकारी नहीं हो पाती। कक्का जी, हाँ जी, आपकी भतीजी तो पढ़ी लिखी है, तो फिर वो कुछ क्यों नहीं करती? वो तो कर रही है, पढ़ी लिखी है, कानून जानती है, मगर उसका उसकी बहन और माँ का हक नहीं मिला तो वो कोर्ट में अपील करेगी। वो तो पढ़ी लिखी है इसलिए सब कुछ कर पाएगी, पर गांव के और लोग ये सब कैसा करेंगे? अब क्यों नहीं कर पाएंगे भला, पढ़ना लिखना सीखें तो सब कुछ कर सकते हैं। आओ तुम्हें ऐसी ही एक कहानी दिखाता हूं जिसमें दो बहनों ने अपना हक हासिल किया, पूरे समाज के गलत रिवाजों से वो लड़ी और आखिर अपना हक लिया। हैं? लो देखो, आओ दिखाता हूं। ए जग्गू, ले अब तू भी ले ले, लगा यहां अंगूठा और जो बचे खुचे हैं वो तू भी उठा ले, हम तो भैया लुटने बैठे हैं। क्यों, कुछ गलत कहा? बिल्कुल सच कहा तुलाराम, मेहनत करके कमाते हैं तो किसके लिए हैं? पूछो पूछो, किसके लिए? इनके लिए, ये है ना अपनी सरकार, जग्गू भाई सेठ हैं, ऐश करेगा, सीधा जाएगा यहाँ से ढींचने। क्यों जग्गू, गलत कहा मैंने? क्यों, हम गरीब का मजाक उड़ा रहा है सेठ। अबे तुम तो नसीब में लिखवा के लाए हो, लो यहाँ अंगूठा लगाओ और उठाओ ये पैसा। शु, शु, शु,
शुक्रिया सरकार। अरे सरकार तो आप हैं हमारी, आप हैं तो हम हैं, क्यों क्या भैया? ऐश कर तू तो। आज अपना छोरा होता तो यूं पैसे उधार लेने की नौबत नहीं आती। पैसों की जरूरत तो तब भी पड़ती, वो कौन सा बड़े तीर मार लाता? और ऐसा क्यों कहते हो? ये कमली को देखो, कितनी मेहनत करती है खेतों में, कोई छोरे से कम है क्या? ये तो पूरे 5 नहीं है। ला छोरी दल्ला, क्या भक्ति है। तोलाराम पिछली 7 पीढ़ी से ये धंधा करता आ रहा है, उसके हिसाब में एक पाई की भी भूल नहीं हो सकती। सच कह रही हूँ बापू, पूरे 500 कम है। अब ये कहती है तो सही होगा। चुप रहो तुम लोग, मुझे मत सिखाओ। पर बापू, आपने कितने रुपए लिए थे तोलाराम से? 5,000। ये तो 4.5 ही है। और जो ब्याज चढ़ेगा वो तेरा बाप नहीं तो और कौन चुकाएगा? पर ब्याज तो बाद में चुकाना होता है, ये तो ब्याज काट के पैसा देता है। तुम्हारा बाप तोलाराम से कोई पहली बार उधार लेकर नहीं आया, क्यों मेरा सर खा रहे हो तुम लोग माँ बेटी दोनों? चलो ऑटो जाने दो, मुझे दिमाग खराब कर दिया मेरा। बस दारू पीने का बहाना ढूंढता है। तू मुझे रोकेगी? जा जा, इस घर का मरद हूँ मैं, पीऊं या कुछ भी करूँ मेरे पैसे हैं। ये पैसे सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हम सब के हैं। जाना है तो जाओ, पर पैसे घर रख कर जाओ। कमली तू जाने दे इन्हें, तुझे तो मालूम है रोज इस वक्त ये राक्षस हो जाते हैं। अंदर से दारू बुलाती है, पर माँ ये हमारी मेहनत की कमाई है। अरे जा जा, जब से मेरा छोरा शहर गया है और तुझे खेत का काम क्या सौंपा है, तेरा तो रुआ भी बढ़ गया है। तुझे कह देता हूँ हुक्म मत चला मुझ पर। जाने दे बेटी, किसी के रोके रुके हैं क्या? पैसे तो बर्बाद करेंगे, साथ में मरेंगे भी। जरा हालत तो देख उनकी। कमली ये क्या बोल रही है तू? ए, मेरी हालत की तू परवाह न कर, ले रुपये तुझे भीख में दे दिए, चल। तेरे बाप को गांव में अभी उधार पिलाने वाले बहुत पड़े हैं, हट, दिमाग खराब कर दिया मेरा। दारू पीना है, काम वाम कुछ करना है नहीं। हाय राम, ये क्या लगा रखा है रोज? आज मेरी छोरी मुझे मांग रही गाती है, मुझे मांगेगी मुझे। ए बापू चुपचाप सो जा, चुपचाप। ए चुप, मगन मैकू, तू मुझे मारेगी है? मुझे कोई नहीं मारेगा तुम्हें। तुम सब मुझे चुप कराना चाहते हो पर मैं। अब सो जा नहीं तो। कमली तू अब मेहरबानी करके चुप रहना, सो गए लगते हैं। चल खाना खत्म कर और फिर सोने की तैयारी कर। कहती हूँ उठो अब, तुम्हारी छोरी अकेली जा रही है खेतों में, फिर कहना मत औरतें कुछ काम नहीं करती। अरे चलो भी, सुबह हो गई, आजकल तुम भी बड़े आलसी हो गए हो, पर आज तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो पूरा खेत खत्म कर लेंगे तो दोनों को 2 दिन छुट्टी, पर अगर काम नहीं हुआ तो याद रखना। माँ मैं चली, दोपहर का खाना टाइम पर भिजवा देना। अरे अब उठो भी, कहती हूँ उठो। अरे उठो कमली, अरे ओ कमली, अरे कमली देख तो तेरे बापू को क्या हो गया। अरे कमली, हाय राम, अरे राम, हे भगवान ये क्या हो गया। बापू बाप है तो। मैं राधा को आज ही शहर फोन कर बुलाती हूँ।
ये सुमन और कमली के बीच में बैठी है वही राधा है ना? हाँ हाँ, जग्गू की छोटी वाली जो शहर में पढ़ती है। भाइयों और बहनों, हमारा जग्गू आज हमारे बीच नहीं रहा। इसी दुखद कारणवश आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जग्गू एक नेक इंसान था। यहाँ पंचायत में उसकी कभी कोई शिकायत नहीं आती थी। उसका किसी से बैर नहीं था। वो भला और उसका काम भला। हाँ मंत्री काका, फिर भी बेचारे को इतनी जल्दी मौत आ गई। भाइयों, वो भी क्या करता, मरता नहीं तो। एक तो जवान छोरा चला गया उसका, ऊपर से दो छोरियों का बोझ, फिर भी अकेला सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाता रहा। अब ऐसे में शरीर उम्र से पहले ही घिस जाता है। एक बात कही भाई से, बिल्कुल सही बात। बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा। इस उम्र में तो आज यहाँ यह फैसला भी करना है कि अब जग्गू नहीं रहा, ना ही उसका जवान छोरा। ऐसे में उसकी जमीन उसके भाई देवजी के नाम कर दी जाए या नहीं? भाइयों, इसमें फैसला क्या करना है? सीधी बात है, देवजी ही जमीन का हकदार है, क्यों भाइयों? वो तो है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तीनों का गुजारा उसी पर चलता है। जमीन देवजी काका के नाम कैसे हो सकती है? यही गांव का रिवाज है, हम कुछ नहीं जानते। देखो, तुम औरत होकर एकाध बार खेत में मदद करने चली जाओ वो एक बात है, और साल भर खेती संभालना दूसरी बात। और हाँ, तुमसे जब पूछा जाए तभी बोला करो, फैसला करने अभी हम यहाँ बैठे हैं। जमीन हमारी और फैसला आप करोगे? जमीन तुम्हारी होगी या नहीं उसका फैसला अभी तक हुआ कहाँ है, और तुम्हारा ये फैसला करने के लिए तुम्ही ने हमें चुना है। तो हमारा भला हो ऐसा फैसला कीजिए, जमीन हड़पने की बात मत करिए। संभाल संभाल तेरी छोरी को, जग्गू था तब तक ठीक था, लेकिन अब यूं कोई नहीं सुन लेगा, जब देखो टेढ़ी बात करती है। कमली तू चुप बैठ, यहाँ पंचायत में मत झगड़। चल माँ, चल राधा, हमें इस पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। हमारा फैसला करने वाले ये कौन होते हैं? देखती हूँ देवजी काका कैसे हमारी जमीन हड़पते हैं। हाँ हाँ जाओ, वैसे भी यहाँ औरतों का काम नहीं है। राम राम भाई, हम तो चले। एक देव जी, ये जग्गू की बड़ी छोरी भले अनपढ़ है पर है बड़ी खतरनाक, कुछ भी कर सकती है। अच्छा है ना, ये दादागिरी करने वाले अनपढ़ को तो कभी भी कायदे की जाल में फंसाया जा सकता है। एक बार जमीन के कागजात मेरे हाथ आ जाए फिर उसको तो मेरे नाम करना बहुत आसान है। अच्छा तो हमें क्या करना है वो तू सिखाएगा? ऐसी बात नहीं है सरपंच काका, मैं तो आपकी मदद मांग रहा हूँ। उसमें हमारा क्या फायदा? फायदा ही फायदा, आज रात आ जाना मेरे खेत पर, मौज करेंगे, खाएंगे पिएंगे। भैया सिर्फ खिलाने पिलाने से काम नहीं होगा। अरे सरपंच काका, उसी के लिए तो बुला रहा हूँ, एक बार बैठकर सारा हिसाब किताब समझ लेंगे। सरपंच, क्या लगता है ये बाद में मुकर तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, देव जी थोड़ा हरामी है पर वैसे इतना गया गुजरा भी नहीं है। तो फिर ठीक है देव जी, तेरा काम हो जाएगा। पर जो समझना है वो आज ही समझ लेंगे। पर उसके पहले दोपहर के बाद अगर जग्गू के घर जाकर थोड़ा दम मारेंगे तो बात जल्दी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं लगता आप सबको? बड़ी चालू चीज है तू। ठीक है मंत्री, इसके खेत में जाना ही है तो जग्गू के घर होकर निकलेंगे। चलो भाई चलो। राम राम। आप इस वक्त यहाँ? सुबह पंचायत में जो फैसला हुआ उसी का फैसला करने आए हैं। बोलो सरपंच, तुम्हें क्या कहना है? हमने सोचा जग्गू को मरे काफी दिन हो गए हैं, अब कोई ना कोई नतीजे पर तो पहुँचना पड़ेगा।
कब तक ऐसे चलेगा? तू जमीन देवजी के नाम कर दे, पूरी जिंदगी खाने पीने का बंदोबस्त कर देंगे। वैसे भी तेरी छोटी वाली शहर चली जाएगी, पढ़कर वहाँ किसी से शादी कर लेगी, और बड़ी वाली का तो अंत जेल में ही होगा। पूरे गांव में लड़ती जो फिरती है, तो सोचा भी है? क्या बात है माँ, ये लोग फिर आ गए? देख सुमन। ए, मेरे साथ बात करो। देख कमली, इस गांव में तोला राम तो मुझी को पकड़ता है कि नहीं? जग्गू की, तेरे बाप की उधारी वो मुझसे वसूल करना चाहता है। तो उससे कहो हमसे आके मिले। देख, तोला राम सिर्फ घर के मर्दों के साथ ही बात करता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? पर मेरे भाई की उधारी मैं क्यों चुकाऊं भला? अगर उसकी जमीन मेरे नाम न हो तो? 5,000 के बदले पूरी जमीन थोड़ी दे देंगे हम। अरे मेरी माँ, पर बाहर तो घर का मर्द होने के नाते मुझसे ही पैसा मांगता फिरता है वो। इसीलिए कहते हैं ये सारे झंझट से बचने का एक ही उपाय है, अपने चाचा पर भरोसा रखो। एक बार जमीन उसको दे दो, खेती करने दो, तुम्हारी सारी मुश्किल हल हो जाएगी और तुम्हें घर बैठे खर्चा पानी मिलता रहेगा, सो अलग। ऐसा कभी हुआ है देवजी काका? ये दलालों को लेकर धोस जमाने आए हो, पर एक बात सुन लो, 5,000 के बदले हम जमीन नहीं लिख कर देंगे। कमली ये क्या बक रही है, हमें जमीन लेने के और भी तरीके आते हैं। आप किसी भी तरह हमारी जमीन हमसे नहीं छीन सकते। इस जमीन की वारिस अब मेरी माँ है, कायदा कानून मैंने भी पढ़ा है। देख देख, देख वो सारे कायदे कानून यहाँ नहीं चलते, यहाँ तो गांव का पंच जो तय करे। पंच या सरपंच जो तय करे वो। देख लड़की, सीधी तरह नहीं मानोगे तो? ए मंत्री, तेरे सीधे और टेढ़े सारे नुस्खे यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे अगर मेरा एक उल्टा हाथ पड़ा तो। एक मिनट दीदी, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। देखो काका, हम किसी का हक नहीं छीन रहे हैं, हम हमारी जमीन पर गुजारा चला लेंगे, हमारी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें माफ करना, पर पंचायत के नाम पर हमें दबाने की कोशिश भी मत करना। नहीं तो? और तो कुछ नहीं, अगर जबरदस्ती हुई तो पुलिस में शिकायत होगी, तो फिर बात कोर्ट तक जाएगी और बाद में आप जेल में जाओगे। हाँ, ये सारा उस टीचर दीदी का किया कराया है, शहर में पढ़ाई क्या कर ली, ये कल की छोकरी आज हमें आंख दिखाने लगी है। सरपंच देव जी, एक मिनट, देखो हमें पता नहीं था कि जग्गू की बड़ी छोरी बहादुर है तो छोटी पढ़ी लिखी। ये अकल और बहादुरी साथ मिल जाती है तो हमारे तुम्हारे जैसों का वहाँ कुछ नहीं चलता। और पुलिस के चक्कर में अगर लेने के देने पड़ गए तो? अब मैंने सुना है पुलिस मारपीट बहुत करती है, सरपंच काका यहाँ अपनी दाल नहीं गलेगी। तो तू हमको यूं बेइज्जत करने के लिए लाया था, खुद ही डर गया? चल मैं तो जा रहा हूँ, फिर कभी मत आना मेरे पास। राम राम। भाभी हमें क्या, अब भरते रहना उम्र भर उस तोले राम की उधारी। फसल अच्छी होगी तो वो भी चुका देंगे। तोले की उधारी यूं ही नहीं उतर जाती, पूरी फसल उठा के ले जाएगा, ये बैल छुड़ा के ले जाएगा, फिर पता चलेगा कि तोले राम की उधारी क्या चीज है। और फिर भी उसका हिसाब खत्म नहीं होगा। हाँ हाँ, तोले को तो हम निपट लेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरी बहन है, बहुत पढ़ी लिखी है। चलो तुम अब निकलो। राम राम। राम राम। चल देव जी, न जाने ये राधा कहाँ से आ टपके। दीदी मंत्री की बात भी सही है, ये तोले का ब्याज तो बैंक से 10 गुना ज्यादा है। देखा राधा, घर का मर्द मरा नहीं कि उसका किया धरा सारा हमें भुगतना पड़ता है, ऊपर से उसकी जमीन जायदाद के 100 वारिस पैदा हो जाते हैं। इसीलिए तो सरपंच मंत्री को मैंने कह दिया, ज्यादा परेशान करोगे तो पुलिस में फरियाद कर दूंगी। बिल्कुल सही कहा तूने, ये तू थोड़ा पढ़ लिख कर आई है तो जानती है, पर अब तोला राम के हिसाब किताब पर भी ठीक ध्यान देना होगा। देख रहा था, मैं भी समझ गई हूँ, यहाँ सिर्फ बहादुरी दिखाने से नहीं चलेगा, इस गांव में रहना है और किसी का अत्याचार नहीं सहना है तो तुझे खूब पढ़ना पड़ेगा।
दुनिया भर की जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, कायदा कानून सब जानना पड़ेगा, लोगों में फिर उसकी जानकारी फैलानी पड़ेगी, वरना आज देवजी काका है, कल सरपंच, मंत्री, तो परसों तोलाराम हमारे हक को छीनने की कोशिश करते रहेंगे। अकेली औरतें सर ऊंचा रख कर जिए, ये यहाँ के मर्दों से सहा नहीं जाता। कमली की बात ठीक है, तू वैसे भी आगे पढ़ना चाहती थी ना? नहीं माँ, अब मैं शहर नहीं जाऊंगी, वरना आप दो यहाँ अकेली पड़ जाओगी। अरे पागल, अकेली तो तू होगी वहाँ शहर में, तू जा खूब पढ़, फिर तेरी अकल और दीदी की बहादुरी से इन सब के सामने लड़ लेंगे। गांव की बाकी औरतों को भी कई सारी सच्चाइयों से वाकिफ करेंगे। हर गांव में तेरे जैसी छोरियां तैयार होने लगे तो फिर क्या बात है। दीदी, फिर तो मैं शहर जाऊंगी, वहाँ कायदा पढ़ूंगी, फिर गांव वापस आऊंगी, हमारा हक कोई नहीं छीन पाएगा। देखा, पढ़ी लिखी छोरी ने क्या कुछ किया, पर तुम एक काम आज ही कर डालो, अपनी वसीयत बदल दो, घर अपनी घरवाली के नाम कर दो, क्योंकि अब इस उम्र में अपने हक के लिए वो कहां भटकेगी। रही बात छोरी छोरों की, सो तुम्हारी घरवाली के बाद तुम्हारी जायदाद पर कानूनन तुम्हारे छोरी छोरों का हक बन जाएगा। कक्का जी, आपकी बात में दम है, पर आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तो भाइयों और बहनों, जो अकल तुम्हारे शमू काका को आई, ऐसा ही आप सबको सोचना चाहिए, और सोचना क्या, उस पर अमल करना चाहिए। तो नमस्कार, खुदा हाफिज और बाय बाय। ज्ञान बिना नर पशु समाना, कह गए तुलसी संत सुजाना, कक्का जी ने मरम ये जाना, काम बनाए अक्षर ज्ञाना, काम बनाए अक्षर ज्ञाना।